291वें दिन भी जारी रहा मेयो कॉलेज स्टाफ का धरना, नहीं हो रहा है कर्मचारियों की मांग पर विचार। कर्मचारियों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। मेयो कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन की ओर से लंबे समय से चल रहा धरना रविवार को भी जारी रहा। कर्मचारियों में मांग नहीं माने जाने के कारण रोष व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि मेयो कॉलेज प्रशासन के लिए लंबे समय से कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है और न ही नियमों के अनुकूल कर्मचारियों को वेतन और अन्य सुविधाएं दी जा रही है। धरने को चलते हुए 291वें दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ का जो डायरेक्टर ऑफ सुरेंद्र ऑफ कुलकर्णी है और अलकाज भारद्वाज बरसर है, उनके कान में जूनी रह गई है। और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो जनरल आदित्य सिंह, जिसकी हमने अर्थी बना रखी है, वो यहाँ के राजपूती शासन की चवन्नी ख़त्म करना चाहता है। और मैं मीडिया के थ्रू ये बात आज खुल के बता रहा हूँ, आज तक किसी को पता भी नहीं होगी कि इन राजपूतों का और इस जनरल आदित्य का मेयो के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ये केवल यहाँ एक ट्रस्टी है और इन्होंने अधिकार जमा रखा है। और यहाँ का जनरल आदित्य सिंह ये चाहता है कि मैं राजपूतों की चवन्नी ख़त्म करूँ और इस पूरी मेयो कॉलेज, मयूर स्कूल और गर्ल्स स्कूल का मालिक बन जाऊँ और यहाँ के राजपूतों को बाहर कर दूँ। लेकिन यहाँ का कर्मचारी अब जाग गया है और कर्मचारियों के ऊपर इन्होंने 28 साल से शोषण किया है और करते हुए आ रहे हैं, और उसका नतीजा है कि यहाँ ये फौजी शासन लागू कर दिया है। और उन लोगों को फौज में जो इन लोगों को कमीशन देते थे, उन फौजियों को यहाँ लाला के नौकरी पर रख रहे हैं। करीबन 28 फौजी ऐसे हैं जो इनको वहाँ कमीशन देते थे और आज भी यहाँ पर कमीशन देते हैं इनको, और कर्मचारियों पे अत्याचार करते हुए आ रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लो और आप अपनी तनख्वाह बता दो और नहीं तो हम आपको बाहर कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो बीपी सिंह जी बदनौर और जो कुछ बोर्ड ट्रस्टी हैं और यहाँ के ओल्ड बॉय जो पुराने हैं, वो इनको पैसा देने को तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि इन कर्मचारियों को इनकी मांगें पूरी करो और इस मेयो की बदनामी को ख़त्म करो। लेकिन ये जनरल आदित्य सिंह अड़ा हुआ है, यहाँ केवल मिला के राजपूती शासन ख़त्म करना चाहता है और कर्मचारियों का शोषण करना चाहता है, क्योंकि इसका तो खुद का तो 85,000 रुपये पेंशन आती है और यहाँ के प्रिंसिपल को 4.5 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है और यहाँ के बरसर को 1,75,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। और इनके ठाट बाट ऐसे हैं कि पूछो मत, जैसे राजाओं के ठाट बाट हैं। यहाँ के मेयो के पुराने बरसर के पास कोई फैसिलिटियाँ नहीं थी, इस बरसर के पास 2 कर्मचारी, चौकीदार, 2-2 माली, 2-2 खाना खिलाने वाला लंबा चौड़ा गेस्ट हाउस इसने बना लिया और कर्मचारियों के जो पैसे आते हैं वो अपने पे खर्च करता है। अब हम चाहते हैं कि हमारी 3 मुख्य मांगे हैं जो 25 साल जिनको हो गए हैं मेयो कॉलेज में, उनको परमानेंट किया जाए। और अनुकंपा के आधार पर 9 केस ऐसे हैं, उनका घर चलना मुश्किल हो रहा है, उनको परमानेंट किया जाए। और ठेके पड़ता के अंदर इन्होंने अपना कमीशन मोटा मोटा बना रखा है, ठेकेदार को 550 रुपये देते हैं और ठेकेदार इनको 220 रुपये देता है और बाकी पैसे ये मिल बांट के खा जाते हैं। मांगे नहीं मानी जाएगी तो अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारी आखिरी तारीख लेबर कोर्ट में 7/11 है, उसके बाद हम मेयो का काम का बहिष्कार कर देंगे और पूरी मेयो कॉलेज बाहर आ जाएगी। जयप्रकाश माली, सचिव।